हेलो गाइस, तो आज बन रहा है मटन बिरयानी। तो मटन में सारे मसाले डालकर हम इसे एक सीटी लगाएंगे। तो उससे पहले हमने थोड़े गरम मसाले रेडी कर लिया था और थोड़े काजू किशमिश फ्राई कर लिया था। तो दूसरी तरफ चावल पकाने के लिए हमने यहाँ पे पानी ले लिया था, उसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल देते और कुछ धनिया का पत्ता और कुछ पुदीना का पत्ता डाला था। अब वो निकाल रहे हैं क्योंकि वो जब खाते टाइम मुंह में लगता है ना तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो निकाल देंगे। उसके बाद हम चावल डाल देंगे। तो मटन हमारा कुक हो गया है, चलिए खोल के देखते हैं। तो मटन हमारा कुक हो गया है और दूसरी तरफ चावल में भी उबाल आ गया है। तो चलिए अब एक कढ़ाई ले लेते हैं। उसमें हमने 3 चम्मच मटन लिया है और उसके ऊपर हम भुना हुआ जो मसाले रखे हैं वो डाल देंगे। देन जाएगा कुछ धनिया का पत्ता एंड पुदीना का पत्ता। दूसरी तरफ हमारा चावल पक रहा है और लगभग 70% कुक हो चुका है, तो वो अब हम मटन के ऊपर डाल देंगे, एक लेयर करके डालेंगे। तो चावल को हमने 70% ही कुक किया है ताकि दम देते वक्त उसके अंदर अच्छे से पके चावल, इसीलिए हमने उसे 70% ही कुक किया है। देन उसके बाद हमारा जाएगा और एक लेयर मटन। जैसे हम चिकन बिरयानी बनाते हैं वैसे ही बनाया है, पहली बार बनाया है तो ज़्यादा मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बट कैसे बनाया मैंने वही दिखा रही हूँ आपको। सेम गरम मसाला हमारा जाएगा और उसके ऊपर थोड़ा धनिया का पत्ता एंड पुदीना का पत्ता जाएगा और थोड़ी हमने डाली है जो प्याज और ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई करके रखी थी वो डाली है। देन उसके ऊपर फिर से चावल जाएगा और उसके ऊपर थोड़े गरम मसाले एंड पुदीना का पत्ता एंड धनिया का पत्ता डाला है हमने। तो लास्ट में थोड़ी घी का इस्तेमाल किया है और घी से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और स्मेल भी बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे थोड़ी केसर वाला पानी देने की कोशिश की है पर केसर से कलर इतना अच्छा आया नहीं, तो हमने थोड़ी फूड कलर ऐड किया है। तो चलिए इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं और दम पर बिठा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दम देने के लिए तवे का इस्तेमाल किया है। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे निकाल देते हैं। मामा, मामा ये तुमने बनाया ये? तो चलिए अभी खोल के देखते हैं कि कैसा बना है। बहुत ही अच्छा बना है और कलर भी बहुत अच्छा आया है और चावल भी अच्छे से कुक हो गए हैं, बहुत ही खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं हुआ है। तो पहली बार जो हमने ट्राई किया है और वो सक्सेस हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चुप चुप के खा रही हूँ चिकन। चाची को एक कनाफा भी मिला है। राज भात खाई दीदी लागू राज भात खाई। जो फ्राई करके हमने काजू और किशमिश रखी थी वो ऊपर डालना हम भूल गए, इसीलिए प्लेट के ऊपर अभी डाल लिया है। अभी परसों खाना खा के बताएंगे कि कैसा लग रहा है, वो टेस्ट कर रहे हैं अभी। भाई एक नंबर। तुम जो पूछ रहे थे कि टेस्ट कहाँ है, कुछ दिनों से टेस्ट कहाँ है, वापस आ गया टेस्ट। तो खाना खाने के बाद मैं राज रिद्धि को थोड़ा सुलाने की कोशिश कर रही थी, वो दोनों ही मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो यहाँ पे बैठ के रिद्धि क्लैप कर रही है एंड राज डांस कर रहा है यहाँ पे।
बिल्कुल भी सोने नहीं जा रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो ये जो आपने वीडियो देखी है कल रात के, राज के पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब मॉर्निंग टाइम पे वो उठे, मुझे बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं खाना खाने के बाद पानाडोल ले लूँगा तो मैं सही हो जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो आप देखो जो आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद खाना खाने के बाद वो थोड़ा सो गए थे क्योंकि उनका नाइट शिफ्ट था। तो जब सो के उठे तो बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई हो गया था, तो वो बोले कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर फटाफट से हम परसों को कॉल करके परसों की गाड़ी लेके गए हम हॉस्पिटल। और उस दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे पे डॉक्टर नहीं होते हैं, छुट्टी में रहते हैं। तो जो जनरल में जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो गई है। तो पहले तो उन्होंने एक ब्लड टेस्ट करवाया, उसके बाद सलाइन लगवाई, देन एक इंजेक्शन देके टेस्ट करवाया कि मेडिसिन सूट कर रहा है कि नहीं। देन उसके बाद उन्होंने और एक इंजेक्शन लगवाया और डॉक्टर ने बहुत सारे मेडिसिन भी दिए हैं। तो आज वो मेडिसिन खा के थोड़ा वो रिलीफ फील करें, थोड़ा ठीक है वो। मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि राज के पापा की तबीयत ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बच्चों की भी थोड़ी थोड़ी, मतलब किसी को सर्दी, किसी को खांसी, ऐसे हो रखा है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।